और जी का जो काम किए हैं और उनका मोकामा की जनता। अरे यार एगो फोटो खींचे दो, एगो फोटो खींचे दो, ऐसे ऐसे होता फोटो खींचता है। सर्टिफिकेट देखिए, यही जो सर्टिफिकेट है जिसके लिए महीनों से लड़ाई चल रही थी। और देखिए फोटो लो, टिकट मिल चुका है, मोकामा उपचुनाव का जो सर्टिफिकेट है वो मिल चुका है। यहाँ पर नीलम देवी जी है, उनको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार दिखाने का प्रयास कर। पटना से हम लोग लाइव हैं और नीलम देवी जी हैं जो कि निकल चुकी हैं बाहर सर्टिफिकेट लेकर के। सबसे बड़ी खबर यही है कि अभी सर्टिफिकेट मोकामा उपचुनाव का मिल चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, लगातार अब जनता बोलेगी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं पटना से, जहाँ पर देख सकते हैं कि नीलम देवी जी हैं, कुछ कह रही हैं, उनको हम सुनाने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा, मोकामा का जो अंतिम फैसला था वो आ चुका है। अब समझ सकते हैं कि आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी जो कि अनंत सिंह की पत्नी है, उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज करने के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गया और सर्टिफिकेट लेकर के बाहर आ रही हैं। देखना होगा कि क्या जनता को बधाई देती हैं, क्या बोलती हैं, उनका बयान आपको सुनाने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। बने रहिएगा मैडम, क्या कहिएगा मैडम? एक सेकंड सर, ऐसे कैसे रखा दो बाइट दो लिए, बाइट देने दीजिए सर। मैडम एक सेकंड, एक सेकंड मैडम, एक सेकंड मैडम, कुछ तो कहिए मैडम, कुछ तो कहिए। इतना बड़ा जीत विश्वास मानती है कितना मैडम, क्या कुछ खास रहेगा? देवी जी हैं अनंत सिंह की पत्नी, अनंत सिंह जी जेल में है, लेकिन इनका कहना है कि वो रहे नहीं रहे फर्क नहीं पड़ता, अनंत सिंह का जो के लिए प्यार है लोगों का। देखिए जो काम किए हैं और उनका मोकामा की जनता। अरे यार एगो फोटो खींचे दो, एगो फोटो खींचे दो, ऐसे ऐसे होता फोटो खींचता है। मैडम जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही थी कि हम जीत रहे हैं, लेकिन एक भी राउंड में वो आपसे आगे नहीं हो पाए, राम के नाम को भी बदनाम कर दिए। लेकिन नहीं खिला कमल, नहीं उनका कहना था किचन बहुत था, आनंद जी का भव्य स्वागत किया जाएगा। मैडम चलो, हम तेजस्वी यादव अंतिम समय में भी गए थे चुनाव प्रचार करने, क्या लगता है तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से माहौल बनाया वो आपके फायदे में रहा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीलम देवी जी बाहर निकली हुई हैं, वही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नीलम देवी जी हैं और देखिए यहाँ पर जो मीडिया का भरमार है बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए बात करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपको लगातार हम सर्टिफिकेट देखिए, यही जो सर्टिफिकेट है जिसके लिए महीनों से लड़ाई चल रही थी। और देखिए फोटो लो, लेना वीडियो चालू बन, वीडियो देखिए नीलम देवी जी हैं जो कि बाहर आ चुकी हैं, अपने गाड़ी पे निकलेंगी, उनका गाड़ी है, आवाज है। मैडम से थोड़ा सा फिर से हम बात करने का, बात हो नहीं पा रही है भीड़ के वजह से, सिक्योरिटी गार्ड के जवान है, दिखाइए एक बार फिर से मैडम को। मैडम थोड़ा सा हम बात करने का प्रयास करते हैं, आखिर जनता ने इतना यत्न। आगे आगे जाओ, आगे चला होता ना वीडियो, जनता का प्यार था जो कि 20,000 के आसपास मतों से जीती है। फोटो देखिए, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, तब लेना। देखिए आप जा रही हैं यहाँ से शायद अपने आवाज पे, वही आपको हम दिखाने का प्रयास करें। आगे से आगे चले, आगे चले, यहाँ से आगे चले, यहाँ से यही चले। मैडम एक बार खड़े होकर, मैडम मैडम मैडम
देखिए मैडम से लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। मैडम अब यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर के वापस जा रहे हैं। देखिए विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखा रही है यहाँ पर। नीलम देवी जी अनंत सिंह की पत्नी है, जो देखिए सर्टिफिकेट हाथ में है और सर्टिफिकेट भी दिखा रही है, सर्टिफिकेट भी दिखा रही है यहाँ पर नीलम देवी जी। देखिए लगातार अब यहाँ से शायद अपने आवास पे जाएंगी, हम लोग आवास पे भी जाएंगे। बने रहिएगा, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। मोकामा का हॉट हिट था, वहाँ पर परिणाम निकल चुका है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जी जीत चुकी है। देखिए नीलम देवी की पत्नी, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जी हैं, वो अपने आवास पे शायद यहाँ से जा रही हैं। और यही आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है जहाँ से मोकामा का जो हॉट सीट था वहाँ परिणाम आया, और परिणाम आने के कुछ ही देर के बाद सर्टिफिकेट मिला। सर्टिफिकेट मिलने के बाद देख सकते हैं मीडिया ने पूरा कवरेज किया है, और यहाँ पर अभी करीब काफ़ी ज़्यादा भीड़ पटना में हो चुकी है। और अब आवास पे जब चलेंगे आपको दिखाएंगे कि आवास पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया गया है। एक बार फिर से हम चलने का प्रयास करते हैं, मैडम से बात करेंगे, ज़रूर आपको दिखाएंगे। उसके लिए आपको बने रहना होगा, हम लोग आवास पे भी चलेंगे और बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि मोकामा की जनता ने जितना प्यार दिया है उम्मीद से ज़्यादा। मुझे लगता है कि इस बार कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर है, इसके बावजूद इतना एक तरफा मुकाबला देखा गया मोकामा में, उसको हम दिखाने का आपको प्रयास करें। चलिए एक बार फिर से नीलम देवी जी से बात करेंगे, हालांकि बात अच्छे से हो नहीं पाई है, लेकिन आप बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप भी अनंत सिंह के फैन हैं या फिर आरजेडी के फैन हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और दिखाइए कि लोगों को कितना ज़्यादा प्यार जनता ने दिया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं पटना है, हालाँकि मोकामा नहीं है, यह पटना है। लोगों ने भरपूर प्यार दिया है, लोगों का जनसैलाब, पुलिस का सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से तैनात था। और ललन सिंह हालाँकि यहाँ पर दिखाई अब नहीं दे रहे हैं, ललन सिंह हार करके यहाँ से उनको वापस जाना पड़ा। यहाँ पास में उनका भी कार्यालय था, वहाँ पर अब एक आदमी भी दिखाई नहीं दे रहे। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिएगा। हम अभी बने हुए हैं यहाँ से और आगे आपको बहुत सारी खबरें दिखाएंगे मोकामा उपचुनाव, गोपालगंज उपचुनाव से। आपको बता दें गोपालगंज उपचुनाव में बीजेपी जीत चुकी है 2100 कुछ वोटों से। जय हिंद।